हाँ तो भैया अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अभी के जो गेम्स है ना वो कुछ ऐसे हैं कि जो है ना हम लोग अभी हैं इस वक्त आयवा के अंदर। आयवा मतलब ये दूसरी स्टेट है और अभी हम लोगों को जाना है शिकागो। मतलब तारीख गवाह है, जब जब ये बैग पहना है ना मैंने, तो जब जब हमने कोई लंबा सफ़र किया है। अब शिकागो यहाँ से है कुछ 6 या 7 घंटे की ड्राइव पर, तो यहाँ से शिकागो जाएंगे और फिर वहाँ से अगर तो रात देर नहीं हुई पहुंचते वक्त, तो फिर हम लोगों का मूड है कि थोड़ा बहुत आज भी घूम लेंगे और कल भी। मतलब सिर्फ आज का दिन है और हमारे पास कल का दिन है, फिर परसों हमारी है डैलस की फ़्लाइट। सो बस इंशाल्लाह, तो स्टे ट्यून, पूरा व्लॉग देखो। और बाकी हाँ, तो शिकागो के अंदर ना काफ़ी सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं जिधर विजिटिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने पहले ट्राई किया कि जो है ना शिकागो हम लोग पहले चले जाएँ 1-2 दिन पहले, ताकि वहाँ जाके वो सारी जगहें भी घूम लें, क्योंकि शिकागो इतना दूर नहीं था, करीब ही था हम लोगों के घर से। सो अभी मैं रेडी शेडी हो चुका हूँ, देख सकते हो। हाँ तो भैया एक बात तो बताना भूल ही गया, अभी जो है ना आयवा के अंदर ये हमारा लास्ट डे होगा, क्योंकि जो है ना यहाँ से शिकागो, शिकागो से डैलस, फिर डैलस से वापस शिकागो आके, फिर वहाँ से इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान। तो भैया शिकागो के बाद हम लोग आयवा को हम लोगों ने छोड़ दिया है। और थैंक यू फॉर ऑल, क्योंकि आयवा जो है ना, आयवा में हमारी फूफो का घर था, तो अभी हम लोग उधर ही थे। सो बाय बाय आयवा, और वी आर इन शिकागो राइट नाउ। और अब देखते हैं शिकागो, क्योंकि आज का दिन है और कल का दिन है, फिर परसों डायरेक्ट की फ्लाइट है। सो ब्रो शिकागो पहुंच चुके हैं, और जो है ना बस काफ़ी अच्छे है वैसे ना, और यहाँ का मौसम भी सेम ही है आयवा से, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और बस यहाँ पे भी कोई रिलेटिव है, उन्हीं के घर आए हुए हम लोग। सो ब्रो आज का दिन है और कल का दिन है, उसके बाद फिर शिकागो की फ्लाइट है हम लोगों की। सो स्टे ट्यून्ड, व्लॉग आते रहेंगे, और फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। टाइम की तो शॉर्टेज थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शिकागो में हमारा 1 या 1.5 दिन था, मतलब आज का दिन था और कल का। सो इसलिए डाउनटाउन में से दोपहर का देखने गए, क्योंकि रात में काफ़ी हद तक बंद हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई किए कि रात में देख ले ताकि कुछ रह ना जाए। सो अभी हम लोग आए हुए हैं डाउनटाउन, और ये शायद मेन है डाउनटाउन का ना, इधर ये मेरे पीछे लेक देख सकते हो आप लोग, और बाकी ये सारी बिल्डिंग है, बिल्कुल बैक पे ट्रम्प टावर है फिर नज़र आ रहा हो तो। और सो बस एंजॉय द वीडियो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब है। अभी और इंशाल्लाह शिकागो और देखेंगे, और ये वाला व्लॉग भी पूरा देखो, एंजॉय। असल में टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था ना, तो इसीलिए हम लोगों ने ट्राई किया कि आज रात के अंदर ही कम अज़ कम डाउन टाउन तो देख ही लें। Thank you.
अभी यहाँ पे शिकागो में भी रिलेटिव के यहीं आए हुए हैं हम लोग, तो ये अभी हम लोग वॉक ही करते हैं जा रहे हैं। हाँ तो भैया ये जो है ना ये शिकागो का आर्किटेक्चर सेंटर है, और बाकी अब इन बिल्डिंग्स का नाम नहीं लिखा हुआ, और बाकी ये सामने वाला ट्रम्प सेंटर ट्रम्प टावर है वो डोनाल्ड ट्रम्प का दोस्त था, और ये वाली बिल्डिंग भी इसी के साथ ही है, लेक की साइड वॉक है ना, ये लेक है। और बाकी वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और अब ये शिकागो, मतलब जो है ना इन तीनों के अंदर मुझे कोई इतना खास कोई डिफरेंस नज़र आया नहीं, सो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मतलब मुझे तीनों ही अच्छे लगे। सो आप लोग भी इंजॉय करो, और अभी तो वॉक कर ही रहे हैं हम लोग, आप देखते हैं क्या होता है क्योंकि रात हो गई है, सब कुछ ही बंद हो चुका है। सो ब्रदर घर पे बैठो आप लोग, और आपका भाई आपको अमेरिका घुमा रहे। मैंने ट्राई थी कि मैं जिस जिस स्पॉट पे जाऊँ मैं व्लॉगिंग करूँ, सो अभी हम लोगों का बिल्कुल अचानक से डाउनटाउन का प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि कल परसों हम लोगों की डैलस की फ्लाइट है, सो इसीलिए इंजॉय द व्लॉग, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हाँ तो भैया आवाज़ आ रही होगी, ये ना ये पता है क्यों, क्योंकि अभी मैं ऊपर चढ़ गया था पिक्चर लेने के लिए, सो इन्होंने सेंसर के तौर पे इधर पानी स्टार्ट कर दिया ताकि कोई ऊपर ना आ सके, काफ़ी अच्छा है। लेकिन यार एक मसला है कि पाकिस्तान में ये कर दिया ना तो पानी तो घरों पे नहीं आता, ये इधर के लिए पानी फिर जाया होगा ये, सब लोग नो प्रॉब्लम। लेकिन वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल जो है न्यूयॉर्क जस्ट लाइक न्यूयॉर्क आई थिंक सो। हाँ तो यार जो ये वाला एरिया है ना डाउनटाउन का, ये सारा मीडिया से रिलेटेड है, मतलब ये पीछे जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसकी बिल्डिंग है, ये पीछे इस तरफ जो है ये बिल्डिंग है, वो शायद बीबीसी कुछ ऐसा कोई न्यूज़ चैनल है और उसकी बिल्डिंग है, तो मतलब ये वाला पूरा इलाका उसकी मीडिया से रिलेटेड है। और बाकी सामने ही मेरे डोनाल्ड ट्रम्प का जो टावर था ट्रम्प टावर वो है, और काफ़ी सारी चीज़ें अगर खुला होता ज़्यादा मज़ा आता, मतलब विजिट भी कर लेते शायद, और बाकी तो ज़्यादातर यहाँ पे ऑफिसेज ही हैं। सो स्टे ट्यून्ड, और व्लॉग भी आते रहेंगे, सो मेरी व्लॉग गैंग ज्वाइन करो। खैर गैंग तो क्या वो 15 या 16 अभी व्लॉग्स ही हैं, लेकिन बहरहाल लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। शिकागो का डाउनटाउन एक ऐसी जगह है जहाँ अगर शिकागो आए और डाउनटाउन नहीं आए तो फिर शिकागो आएगी, ये बताओ। Thank you.
अभी जो है ना, अभी हम लोग डाउनटाउन से आके अब हम लोग बड़ी मुश्किल है पार्किंग मिली है, जबकि रात के टाइम सब कुछ बंद है। मुझे फिर भी समझ भी नहीं आ रहा क्यों उधर पार्किंग नहीं है, लेकिन वी आर एट दीवाना स्ट्रीट इधर। मतलब यार बिल्कुल पाकिस्तान की हर जगह, मतलब जैसे ये देख सकते हो जुनेद जमशेद, मतलब यहाँ पे भी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन चल रही है, और बाकी इधर जाहिद मियारी भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे थोड़ी आगे कराची चाउट हाउस है। अभी हम लोग भी कुछ ना कुछ खाने के लिए ही आए हैं, अल्लाह करे कुछ खुला हुआ मिले तो फिर इंशाल्लाह कुछ खाते हैं। बहरहाल शिकागो जस्ट लाइक कराची, मुझे कुछ ऐसा लगा, क्योंकि दीवान स्ट्रीट भी इधर की कुछ ऐसी है यार। दीवान स्ट्रीट भी जो इंडियन स्ट्रीट थी ना न्यू जर्सी में, बिल्कुल जस्ट लाइक वैसी लग रही है। बस मसला ये था कि न्यू जर्सी में थोड़ा रश ज़्यादा था, और इधर क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पे रश नहीं है। बहरहाल अभी ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यार जो है ना, अभी हम लोग कराची चाट हाउस पे आए, इधर देखते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, फिर बस घर चलते हैं। तो भैया काफ़ी कम टाइम था ना शिकागो के अंदर, तो इसीलिए हम लोगों ने खाना खाने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें मंगवा ली थी ताकि इधर भी ट्राई करें। वैसे तो ये दीवान स्ट्रीट पूरी पाकिस्तान जैसी है, मतलब ना इधर ये है मोहम्मद अली जिनाह वे, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, ना जाहिद न्यारी भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें। सुबह आप कल ट्राई करेंगे कि कल डाउनटाउन सही तरीके से घूमें, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। और फिर बस इस व्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और व्लॉग्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।